जी मैं विजय कुमार शास्त्री, किसान कांग्रेस ऑल जे एंड के वाइस प्रेसिडेंट। मेरे कन्नै ब्लाक प्रेसिडेंट अश्विन शर्मा जी, किसान कांग्रेस के ब्लाक प्रेसिडेंट जनकराज जी, और पतैली चक के ग्रां दे विच ये प्रोटेस्ट रखे दा कि बिजली का बार बार कट होवा दा। अस हुण मन्ने कि तूफान आया जां बिजली दी तारां अगे पिछे होई गईआं होण, इहदे कन्नै थोड़ा फर्क है, लेकिन उहदे कोला पहले रोज़ कट ध्याड़ी का 3-4 बारी बिजली का जिहड़ा कट होवा दा है। अस प्रशासन गी इह गल आखना चाहते हाँ कि जिहड़े ठंडे इलाके है तुस उत्थे कट करो, लेकिन जिथे गर्मी की तपश पवा रही है 50 डिग्री पर जिहड़ा मतलब तापमान इला चला दा है, तुस इत्थे बार बार अगर कट करा दिओ, सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, सारे माता भैन बजुर्ग जिहड़ियां ने वह बेचारियां मतलब गर्मी कन्नै मतलब बेहाल ने, और लोकें गी मतलब बत्ती जिहड़ी है उन्हें जरूरी चाहिए है, और उनेंगी कई लोकें अपन खेतरें बिच बंबियां चलानियां ने, पानी लाना है, और सारे किसानें गी जिहड़ी है वह मुश्किल आवा दी है, पानी नहीं उभरा है। प्रशासन की चाहता है कि लोगों की पानिया पर लड़ाई चले, लोगों के मतलब बढ़ टोको फिर केस जान थाने के बिच, तो लोगों का ध्यान उधर ही जा, उनके पैसे इकनामिकली फाइनैंशली लोग इस तरीके वीक हो, प्रशासन मतलब लोगों की वीक करना चाहता है, फाइनैंशली वीक करना चाहता है, लड़ाइया लवाना चाहता है। मैं प्रशासन ये गल आखना चाहता हाँ, इस सरकार की ये गल आख, इस सरकार तो वैसे गूंगी बैरी सरकार है, गल कोई भी सुनती है नहीं है। किसान ने जोड़ा है बार्डर के उपर उन्हें अज को 6 महीने धरना दिता है, लेकिन इन्हें लोगों अज तक उनकी गल नहीं सुनी, तो अज ये जी सारी गल है तुम लगे सुन। इस वास्ते इस सरकार की इन्हें जागना चाहिए है, और अगर ये नहीं जागी तो दिन ब दिन जी पब्लिक है इन पर रोस चावा दी है, युवा जोड़ा है वह समझी चुके हैं, आम आदमी जोड़ा इस सरकार की पॉलिसी भी समझी चुके है, और इस सरकार की डंके भी जोड़ करना है। ये गल आखना चाहते हैं कि भाई गलबात इं है कि इस गर्मी का मौसम है, बिजली का कट बार बार नहीं करो, लोग तकलीफ में है, किसान सारा तकलीफ में है, किसान ने जोड़ा है अपनी जमीनें की पानी लाना है और बंबियां चलानिया ने, अगर ये लोग बिजली नहीं छोड़न बार बार कट करन तो किसान जोड़ा है वो अपनी फसल की जी मतलब इस वक्त धान जी कि मतलब वो लगा। तो मैं ये गल आखना चाहना कि सरकार ने जोड़ा है ये राहत देनी चाहिए इस मतलब बिजली के कट को, जो ठंडे इलाके ने जिते ठंड है जिते ज़्यादा गर्मी नहीं है उत्थे कट करनी चाहिए बत्ती, लेकिन जिते गर्मी ज़्यादा है जिस इलाके किसान ने मतलब अपनी फसल लगानी है इस टाइम उस इलाके बार बार कट करा दी है। ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट भी जोड़ा है ये मतलब दिखना चाहिए कि सारा किसानों का इलाका है, छोटे छोटे सारे किसान ने, छोटे छोटे उनके को जमीन ने, और उन्हें लोगों जो काम काज करना है और क्या करना उन्हें, ठीक है ना। बाकी ये सरकार जी है ये गल आखती ही कि लाकडाउन के बिच अज इन्हें पिछले साल ही लाकडाउन रखा, ये भी लाकडाउन रखा, और इस सरकार ने यह गल आखी कि जेडे बच्चे पढ़ने लिखने वाले ने अस उन्हें पास करी लगे, अस उन्हें फेल नहीं करके, अज इन्हें सारे इलाके के बच्चे जोड़े ने मढ़ ब्लाक के बच्चे जोड़े ने जो हूँ रिजल्ट आया काफ़ी सारे बच्चे ने फेल कर लिखना है। ये सरकार की सरकार है, ये झूठ बोलती है और सारा झूठ बोलती है, ये जुमलेबाजी सरकार है, और इस जुमलेबाजी सरकार की असं ये चेताना चाहते हैं कि जुमलेबाजी ना करो भाई, आने वाली पीढ़ी जी आने वाली नसल जो नौजवान है ये दिन ब दिन गुस्से आवा देना और गुस्से आनी है, इन्हें तुम्हारा तथा पटन करना है। अगर मतलब 2014 के बिच अगर आवाम एक बार जागी गई ही तो उन्हें कांग्रेस का मतलब कुर्सी पर लुआई उड़िया, हूँ जी आवाम है फिर एक बार जागी गई इनके प्रति, हूँ फिर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो इस वास्ते अज मतलब पेट्रोल के बारे से गल है तो पेट्रोल का अस कदम का रोना रोवा रहे, इन्हें कम से कम भी 50 बारी जोड़ा पेट्रोल है वो बढ़ाई उड़े, हूँ 100 का पार करी बैठे पेट्रोल है, डीजल की मतलब वो भी कीमत बढ़ाई बैठे, पेट्रोल की भी बढ़ाई बैठे, किसानें की जी आमदन है वो दूनी करा दे, दूनी का बजाय ने उल्टी किसानों की मतलब मार ऐसी मारी दी है कि किसान दोबारा उठ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर कोई 2000 कने 1000 कने किसानों का देने कने उसका कोई गुजारा नहीं चलता है। मैं अपना प्रशासन की उन्हें आखना 1000 रुपया 500 कट हाँ, तो 500 रुपये कने महीना कितना कट सकना, इस वास्ते प्रशासन की शर्म होनी चाहिए, इस सरकार की शर्म होनी चाहिए, इसी शेम होनी चाहिए है किसानों के बारे में सोचा, और बिजली का बार बार कट नहीं करा, और डिपार्टमेंट की हिदायत दी है कि ये जो इलाके ने इसलिए किसान जो अपनी जमीन में बिजी है और छोटी छोटी जमीन ने छोटे छोटे किसान ने और उनके जी मतलब बंबियां ला दी ये बिजली छोड़ा है ता कि वो अपने खेत से काम कर सकन, फसल लाई सकन, और जी सारे बुजुर्ग ने भैन माता ने वो घर बीमार ने, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ने वाला है,
बत्ती मौके की नहीं होंगी, उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। तो इस वास्ते अस प्रशासन गी हत्थ जोड़िए बेनती करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि भाई ये थोड़े उपर कोई सिरा जी जून होगा, ये सुनो, लोगों की सुनो, आवाम की सुनो। जी सरकार आवाम की नहीं सुनती, नौजवान नहीं सुनती और किसान की नहीं सुनती, इयै लोग सरकार बनाने वाले ने, इयै नौजवान सरकार बनाने वाले ने, इयै किसान सरकार बनाने वाले ने। जिस तरह गुस्से आइए तो तुम्हारी सरकार रहनी नहीं है, और चंद दिन की तुम्हारी सरकार है। हूँ वैसे भी सरकार लंघनी हो चुकी है, इनकी सोच जी है इनकी सोच की लकवा भी गया। इस वास्ते ये लोगों की नहीं सुना दे, लोगों की गल नहीं सुना दे, लोगों की मतलब रोना नहीं सुना दे, और इस सरकार की शेम है। जय हिंद, जय भारत।